यहाँ पर द्वारका माई के बाजू से ये साईं बाबा की चावड़ी है। शिरडी में साईं बाबा जीवन काल में एक दिन के आड़ में इसी चावड़ी पर बाबा विश्राम किया करते थे और इसी चावड़ी पर जितने मरीज आते थे वो ठहरा करते थे और बाबा उन मरीजों का 2-3-4 मरते आकर उनकी देख रेख जड़ी बूटी औषध से उन मरीजों की बाबा सेवा किया करते थे। श्री साईं बाबा ने जब शरीर को प्रत्याग किया तो जिस लकड़ी के पाटे पर साईं बाबा को रखा गया था वह पाटा आज भी शिरडी में चावड़ी में विराजमान है। मेरे साईं भक्तों, बरसात पर ये खपरेल की जो चावड़ी है भारी वर्षा के कारण गिर गई। अब इस चावड़ी का निर्माण कार्य करना धाम में बहुत आवश्यकता है क्योंकि बाबा आज भी यहाँ पर आते हैं, विश्राम करते हैं, उनको ठंडी लगती है और पूरा सेट की तैयारी करना है। अगर साईं भक्त यह कार्य की जिम्मेदारी ले लेता है तो यह चावड़ी भी इस लाइव के माध्यम से आपके सहयोग से बन जाएगी और साईं बाबा आपका सदैव भला करते रहेंगे। दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान देने से धर्म, आयु और अच्छे योनि का, सत्संग का योग मिलता है। राजा निग्र ने प्रतिदिन जब भी अपनी राजमहल में आते थे, सभा की बैठक में जाते थे तो सर्वप्रथम अपने दरबार में बैठकर 1001 गौ का नित्य दान दिया करते थे और सबसे पहला उनका काम था राजा निग्र का दान देना। दान देने के बाद राजा निग्र सभा में, कार्यक्रम में, प्रजा में या कोई भी काम में राजा ने उन सभी काम का सोपान किया करता था। एक दिन राजा निग्र ने एक ऋषि को 1001 गौ का दान दिया। दान देने के बाद जब ऋषि राजमहल से लौटकर उस दान को अपने आश्रम की ओर जा रहा था तो उसी गांव का एक अहीर गौ को लेकर राजमहल की ओर आ रहा था और दोनों गौ का उस मार्ग में मिलन हो गया। अहीर ने कहा कि सारी गाय मेरी है। ऋषि ने कहा कि राजा निग्र ने 1001 गौ मुझे आज दान दिया है और मैं 1001 गौ इसमें मेरी है। अहीर और ऋषि का विवाद हुआ। दोनों राजमहल में पहुँचे। राजा निग्र ने फैसला दिया यह जो गाय है ना अहीर की है ना बाबा जी आपकी है, ये पूरी गाय इस राजमहल की है। अहीर ने आदेश सुनकर नर्वस होकर अपने घर की ओर आ गया। ऋषि भी वापस अपने आश्रम जा रहा था तो राजा निग्र ने कहा, महाराज 1001 गौ दान मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूँ।
ऋषि ने कहा, महाराज दान तो एक मरते दिया जाता है और आपने दान देकर दान ले लिया, अब दान मैं नहीं लूँगा। उस समय के बाद राजा निग्र की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात राजा निग्र की जीवात्मा जब यमराज के दरबार में पहुंची, कर्मा अध्यक्ष ने उसकी पूरी डायरी लाई। डायरी लाने के बाद देखा गया कि ये राजा निग्र ने अपने जीवन काल में बहुत दान दिया है, बहुत दान दिया है, मगर एक जगह दान दे के इसने दान को ले लिया है, अब इसका निर्णय क्या किया जाए। तब यमराज ने आदेश बनाया कि राजा निग्र, आप पहले पाप को भोगोगे कि पुण्य को भोगोगे। कारण ये था कि आपका दान सर्वोपरि है, मगर आपने एक जगह दिया हुआ दान आपने ले लिया, जिसके कारण से आपका यह आदेश हुआ। राजा निग्र ने कहा कि मैं पहले पाप को भोगूंगा, तो मैं आपको गिरगिट योनि में मृत्युलोक में भेज रहा हूँ। जब भगवान का अवतार होगा और भगवान का जब आपका दर्शन होगा, चरण स्पर्श होगा, तो आप अपने इस पाप से उद्धार हो जाएंगे और कर्म गति को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप भी निमित अच्छे मन से श्री साईं बाबा धाम में आप कुछ न कुछ दान करते रहिए, ताकि यह दान इस आश्रम की तपोभूमि में आपको एक अच्छा आशीर्वाद दे और आपके जीवन को सफल एवं आनंदमय बनाए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।